मोबाइल पे कुरान देखना, मेरा भाई कुरान देखना तो हर हाल में जायज़ है। तो बहरहाल अगर असल जो मौलाना ने फरमाया है ना कि मोबाइल पे ना पढ़े, उसकी वजह ये है कि ये एक आलमी साजिश का हिस्सा लगता है, क्योंकि दुश्मन हमारा बड़ा चला। अब उसने हर किताब जो है ना जी को मोबाइल में फीड है, कुरान फीड है, तफसीर फीड, हर जबान के कारी लोग बड़े खुश हैं जी, घर में बैठे पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं। लेकिन नतीजा नऊज़ बिल्लाह जब दुनिया से ये किताबत वाला कुरान ख़त्म हो जाए और इसको एक सेकंड में वो सेटेलाइट से डिलीट करके उड़ा देंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? लेकिन अभी तो मकतबा शामला जो है उसमें 60,000 किताब है जो इसमें फीड है, इंटरनेट पे दस्तियाब है। अच्छी बात है, पूरी दुनिया में एक बात पहुंच रही। लेकिन साथ ये ख्याल जरूर रखें कि जो असल वर्षा है हमारा कुरान का वो खत्म ना हो। ये तो यूं समझेंगे मसलन हम कुरान वही पढ़े जो आप हमेशा पढ़ते हैं, कभी सफर में कुरान उठाना मुश्किल है, मोबाइल खोल के भी पढ़ लिया कोई बात नहीं। लेकिन आप उसी को आदत बना लें और इस कुरान को हाथ ही ना लगाएं, फिर तो नाजायज़ है।